एज यू कैन सी यहाँ पर हमारा रेडिएटर गार्ड काफी अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर इसने एज टू एज हमारी बाइक के रेडिएटर ग्रिल को काफी अच्छे से कवर कर लिया है। सो हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वाट प्रिंट 250 के रेडिएटर ग्रिल की, जो कि कुछ इस तरीके की आती है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो रेडिएटर ग्रिल के अंदर है, जो बीच के अंदर जो इसका लोगो है वो नियॉन के अंदर है। आप चाहे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का ब्लैक कलर का भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पर जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है दोस्तों, वो काफी बेहतरीन है। यहाँ पर अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप PGX से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। PGX काफी अच्छे अच्छे एसेसरीज डील करता है। स्वाट प्लेन ही नहीं, काफी सारी ऐसी बाइकें हैं दोस्तों जिनके लिए आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको इसका वेट करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको आइडिया लग सकेगा कि जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो कैसी है। तो यहाँ पर मैं इसको वेइंग मशीन पे यहाँ पर हैंग करता हूँ। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो भी इसका वेट है यहाँ पर 400 ग्राम है। तो यहाँ पर जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतरीन है। इनसाइड भी हमें एक स्क्रू भी मिलता है दोस्तों, जिसके थ्रू हम नीचे की तरफ से इसको फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसको हस्कोना पे इंस्टॉल करेंगे। मैं आपको कम्प्लीटली इसकी इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा क्या इसके प्रॉन्स हैं, क्या इसके कौन से हैं। तो चलिए बाइक के पास चलते हैं, आइए। सो गाइज, ये है हमारी स्वाट प्लिन 250। तो चलिए अब आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपको इस कैप को निकालना है सबसे पहले। तो इसको निकालने के लिए आपको जस्ट इसको थोड़ा वाइड करना है, देन बड़ी आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर 4 नट्स मिलने वाले हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो आपको इनको चारों को ही रिमूव करना है। इन चारों नट्स को रिमूव करने के लिए आपको 10 नंबर की नीड होगी। तो यहाँ पर मैंने इनको थोड़ा लूज कर रखा है, ताकि मैं फटाफट वीडियो के अंदर आपको दिखा सकूँ। सो जब आप ऊपर वाले दोनों नट्स को रिमूव कर लेंगे, तो आपको नीचे की तरफ भी इस तरह का स्क्रू मिलेगा। इस स्क्रू को आपको ओपन कर लेना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो कवर है आपको बोथ साइड के ही रिमूव करने होंगे। उसके बाद आपको जो हमारी रेडिएटर ग्रिल है उसको यहाँ पर बड़ी आसानी से इंस्टॉल कर देना है। तो ये इंस्टॉलेशन कुछ इस तरीके से यहाँ पे होने वाला है। उसके बाद आपको इसके साथ दोस्तों यहाँ पर 2 स्पेसर्स मिलते हैं। तो कुछ इस तरीके के यहाँ पर स्पेसर्स हैं। तो दोनों तरफ से यहाँ पर नट्स माउंट हो जाते हैं। आप इस तरफ से भी इसको स्क्रू कर सकते हैं और इस तरफ से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके के एक वॉशर की नीड होगी, और यहाँ पर एक कुछ इस तरीके का नट्स नीड होगा आपको। तो अब आपको दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर इसको इस तरीके से माउंट कर देना है। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो इनकी लेंथ आपको कितनी चाहिए होगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमें 2.3 सेंटीमीटर के अप्रोक्स इनकी नीड होगी। अगर आप इससे छोटा और बड़ा रखते हैं तो यहाँ पर आपको दिक्कत देगा, प्रॉपरली यहाँ पर फिट नहीं होगा। तो अब ईजिली आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर इसको टाइट करवा देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको फिक्स कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप बड़ी आसानी से इसको फिक्स कर सकते हैं। ये देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर माउंट हो चुका है। ये बिल्कुल इसके लेवल में आ चुका है। यहाँ पर हमने इस तरफ का भी नट्स रिमूव कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्पेसर्स को अच्छे से फिक्स कर देना है। तो दोनों ही तरफ हमने यहाँ पर काफ़ी अच्छे से स्पेसर्स को टाइट कर दिया है। उसके बाद अब यहाँ पर हम अपनी रेडिएटर ग्रिल को इंस्टॉल करेंगे। सो चलिए अब मैं यहाँ पर इस रेडिएटर ग्रिल को इंस्टॉल करता हूँ। तो ऊपर की तरफ आपको जो स्टोक नट्स मिलने वाले हैं, उसी के साथ में आपको इसको टाइट करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको थोड़ा टाइट करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना दूसरा नट लेना है, जो कि हमें हमारी बाइक के साथ ही मिलता है। यहाँ पर हमें अलग से नट्स बाय करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को फिक्स कर दिया है। उसके बाद जो हमारे स्पेसर्स है दोस्तों, उसके अंदर हमें कुछ ऐसा वॉशर लगाना है। ये वॉशर की लेंथ कुछ इस तरीके की होने वाली है। तो जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर वॉशर फिट होगा दोस्तों, यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से क्लैंप करेगा। तो चलिए उसको मैं यहाँ पर टाइट करवा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये इस तरफ का टाइट हो चुका है। सो यहाँ पर हमने तीनों ही नट्स को टाइट कर लिया है। अब फोर्थ नट को आपको टाइट करना है। तो दोस्तों इसको यहाँ पर डायरेक्ट आप इसको टाइट करवा दीजिए, बट यहाँ पर हमने कस्टम हॉर्न लगा रखा है, तो उसकी क्लिप के साथ हम इसको यहाँ पर माउंट करेंगे। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर माउंट कर देता हूँ। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने इसको काफ़ी अच्छे से टाइट कर दिया है। सो अब यहाँ पर ये भी काफ़ी अच्छे से टाइट हो चुका है। सो चलिए यहाँ पर मैं इधर वाले भी क्लैंप यहाँ पर फिट कर देता हूँ। फाइनली रेडिएटर गार्ड इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है, नियॉन के साथ ही काफ़ी मैच कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप रेडिएटर गार्ड को इंस्टॉल कर पाएंगे। फिर भी आपके मन में अगर कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको नीचे जाकर रिप्लाई करूँगा। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप PGX ऑटो एसेसरीज को यहाँ पर प्रेफरेंस दे सकते हैं। सो ये थी इंस्टॉलेशन यहाँ पर हस्कोना 250 की रेडिएटर ग्रिल की। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों हम यहाँ पर एक न्यू वीडियो बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे इसका मोबाइल चार्जर, एंड साथ ही हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे हजार्ड फ्लैशर। तो इनके भी वीडियोस जल्द आने वाले हैं। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू।